हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया मेजर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द एनवायरनमेंट। नाउ वी शैल डिस्कस रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट रेस्पॉन्सेज टूवर्ड्स डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स। जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके प्रति ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रेस्पॉन्स होता है। हाउ दे रेस्पॉन्ड दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म एंड द एबायोटिक फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पॉन्सेज द ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड एज रेगुलेटर्स। ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स टेम्परेचर, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट ऑप्टिमम आर नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज रेगुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, दे मैंटेन स्टडी टेम्परेचर। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो पसीना आना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही उनकी स्वेटिंग होती है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो पसीना आता है, तो पसीना जो है हमारे बॉडी की हीट जो है बाहर ले जाता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मीन्स होम्योस्टेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, दोज विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब आप कहें जी जब सर्दी होती है तो फिर हम बॉडी को टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं, तो आपने देखा होगा सर्दी में हम कांपते हैं, शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग से मसल्स मूव करते हैं और उससे ही हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। आज आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम सर्दियों में कांपते क्यों हैं। कांपते इसलिए हैं कि मसल जब मूव करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, मींस अगेन दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, ये सब के सब रेगुलेटर्स में आते हैं। और समर में जब हाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस वक्त ऑर्गेनिज्म जो है एबंडेंटली स्वेटिंग करते हैं। सर्दी में मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट कम्स कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है विच कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अभी हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देते हैं, कुछ का टेम्परेचर फिक्स रहता है, दे कैनॉट कंट्रोल, मतलब मीन्स दे कैनॉट इंक्रीज और डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। इसका इनको एडवांटेजेस क्या होता है कि इनके बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है। इनमें थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिक प्रोसेस जो है वो होती है। हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अब डिपेंड करता है उसकी बॉडी का सरफेस एरिया कितना ओपन रहता है। नॉर्मली स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्मॉल वॉल्यूम वाले उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वॉल्यूम के रेशियो में, तो इसलिए वो अपने बॉडी का हीट जो है वो बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं। इस तरह से वो थर्मो रेगुलेशन कर देते हैं। मीन छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके वॉल्यूम के हिसाब से उनके बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो इमिडिएटली बॉडी की हीट को लूज कर जाते हैं। दैट इज़ वाई पोलर रीजन में, जो पोलर रीजन है वहाँ पर आपको छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के वक्त यही चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस होती है कौन में नहीं होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करेंगे, टेम्परेचर कम हो गया तो वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे
जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो अर्लियर हमने किया रेगुलेटर, फिर हमने कहा कन्फर्मर्स, और नेक्स्ट आता है पार्शियल रेगुलेटर। दो स्पीशीज दैट हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। थोड़ी सी एक रेंज को मैं वो अपने आप में अडाप्टेशन उन्होंने की होती है, उनमें कुछ वेरिएशंस लाते हैं, लेकिन वो एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है दे आर सिंपली कन्फर्म। सम ऑर्गेनिज्म मूव टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू फ्रेंडली प्लेस। जैसे हम गर्मियों में सर्द इलाके में चले जाते हैं, सर्दियों से गर्म इलाके में चले जाते हैं, इसको माइग्रेशन भी कहते हैं। सिमिलरली एनिमल्स भी ऐसा करते हैं कि वो सीजन चेंज होने पर ही फ्रेंडली प्लेस में माइग्रेट कर जाते हैं, तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। एवरी विंटर हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल हैं। क्यूलेडियो नेशनल पार्क भरतपुर में हज़ारों माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ तक कि साइबेरिया से, जो एक्सट्रीमली जो कोल्ड एरियाज हैं, तो वहाँ से वो इंडिया भरतपुर में आ जाते हैं, और जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो वो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म सस्पेंड दियर ग्रोथ एंड फंक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो अपनी ग्रोथ और कुछ फंक्शंस को स्टॉप कर देते हैं, इसको सस्पेंशन भी कहते हैं या सस्पेंडेड भी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी हैं, कुछ लोअर प्लांट्स हैं, ये बड़े थिक वॉल्ड सपोर्ट्स बनाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती हैं इनकी थिक वॉल रप्चर करती है और उसमें से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। और आपने देखा है कि ड्यूरिंग विंटर एनिमल्स अंडरगो विंटर स्लीप, जिसको हम हाइबरनेशन भी कहते हैं, मतलब कि वो कुछ महीने के लिए जो है ज़मीन दोज हो जाते हैं, मींस अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं वो बाहर आ जाते हैं। आपने देखा सांप, बिच्छू, ये जो है इनके भी विंटर स्लीप होती है। सिमिलरली समर स्लीप भी होती है, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, स्पेशली एनिमल्स जो हैं, वो बरोज बना के मिट्टी में नीचे जो है अपने आप को गर्मियों में छुपा देते हैं, और ड्यूरिंग नाइट या कई समय के बाद जो है जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। तो दिस वाज हाउ द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स अगेंस्ट द एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ कम्स अडाप्टेशन। Adaptation is the attribute of an organism that enables organism to survive and reproduce in an habitat. किसी habitat में वो organism किस तरह से reproduce करे, किस तरह से रहे, किस तरह से जिंदा रह सके, तो उसको adaptation कहते हैं। Simple example क्या है कि आपने देखा है कि सर्द इलाके में जो animals होते हैं उनके body पर hairs बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्म इलाके में जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन पर हेयर बहुत कम होते हैं। अगर सर्द इलाके का एनिमल को, मान लो कोई डॉग है और उसकी बॉडी पर बहुत लंबे लंबे हेयर्स हैं, उसको मद्रास में ले लिया जाए, लद्दाख से मद्रास में ले लिया जाए, तो फिर वहाँ उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, मींस उसके बाल गिर जाएंगे। अगर वो उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर जाता है तो वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। सेम केस होगा कि अगर मद्रास से हम किसी ऑर्गेनिज्म को लद्दाख ले जाएंगे तो वो या तो वहाँ अडाप्ट होगा तो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा। ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो लो एरिया से हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, मनाली है, रोहतांग पास है, लद्दाख है, वहाँ जाएंगे तो कुछ एरिया में उनको वॉमिटिंग होगी, नासिया होगा, फैटिगनेस होगी, हेडेक होगी, तो वहाँ पर फिर 6-7 दिन, 5-6 डेज उनको रेस्ट में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे वो जो एक्लिमेटाइज जब उस एरिया के साथ होते हैं तो फिर उन्हें कुछ नहीं होता, मींस
नाउ दे आर वेल अडॉप्टेड टू द एरिया। यही केस ऐसा ही हमारे सोल्जर्स जो आर्मी जवान हैं उनके साथ भी होता है, कुछ अरसे के लिए उनको भी टेंट्स में और एक्लिमेटाइज किया जाता है जब वो लो एरिया से हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं। सिमिलरली कुछ प्लांट्स हैं वो वाटर लॉस को रोकने के लिए अपने स्टोमेटा को डीप कर देते हैं संकन, और उनके ऊपर से एक मोटी सी लेयर आ जाती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो वाटर लॉस को चेक कर देते हैं। कुछ प्लांट्स अपने लीव्स को ख़त्म करके स्पाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमारे पास है ओपनशिया है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि वो अपने जो फोटोसिंथेसिस है वो कैम वे में कैम पाथवे जो ऑलरेडी बताया था आपको, तो उसका यूज़ करते हैं ताकि वाटर लॉस को जो है वो चेक कर सके। मींस दे टू अडॉप्ट एज पर द एनवायरनमेंट। बॉडी आल्सो कंपनसेट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर रेड ब्लड सेल्स, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। कुछ ऑर्गेनिज्म आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो एफिनिटी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के लिए वो थोड़ी सी कम हो जाए, और ब्रीदिंग रेट भी अपना वो बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं जिससे क्या होता है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट देमसेल्व्स। कुछ फिशेज हैं जैसे एंटार्कटिक रीजन्स में, वो बिलो ज़ीरो डिग्री में सर्वाइव करती हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को एक रेंज में रखते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर है तो उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। वो अपने बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स और बॉडी का बिहेवियर ऐसा रखते हैं कि उससे वो सर्वाइव करते हैं उस एनवायरनमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट एंड हाउ दे सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच।